नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बेजरडा। और बेजरडा में आज हम बात करेंगे जोमैटो की, एक ऐसी कंपनी जो एक वक्त पे तमाम लोगों की आंखों का तारा थी। और वजह यह कि आप जोमैटो हो, स्विगी हो, नए जमाने के लोग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं इनको। अब इसके साथ ब्लिंकिट का नाम भी जुड़ गया है। तरह तरह के नए ऐप्स हैं, इस चक्कर में आप बाजार नहीं जा रहे हैं, लोगों से सामान नहीं खरीद रहे हैं, घर बैठे जब मन करता है मंगवाइए और मिनटों में सामान आ जाता है, खाने की चीज़ें आ जाती हैं। और इस वजह से जोमैटो का शेयर जब बाजार में आया तो बड़ा हो हल्ला था कि साहब ज़बरदस्त इसमें पैसा लगाना चाहिए। हालांकि तमाम जानकार मना कर रहे थे, कह रहे थे भाई कंपनी बना नहीं रही है पैसा, आप इसमें पैसा लगा के क्या कमाएंगे। लेकिन इसके बावजूद जो जिसको यूफोरिया कहते हैं वो पूरी तरह से देखने को मिल रहा था। उस वक्त ऐसे अनेक इश्यूज आए थे जिनमें वो लोग पैसा लगा रहे थे जो इससे पहले जिन्होंने शेयर बाजार में खासी दिलचस्पी नहीं ली थी, और उसकी वजह थी उनको लगता भाई रोज़ हम इसको इस्तेमाल करते हैं, हम जब रोज़ इसको इस्तेमाल करते हैं और हम इससे खुश हैं तो हम इसकी कंपनी के शेयर में पैसा क्यों नहीं लगाएं। ये भरोसा था, लेकिन इस भरोसे पे एक तरह से पानी फिरा जब ये शेयर लिस्ट हुआ उसके कुछ समय बाद ही। हालांकि 72 से 76 रुपए के भाव पे शेयर आया था, उसके बाद लिस्ट हुआ 110 के ऊपर जाके, लेकिन कुछ ही समय बाद एकदम से एक झटका लगा और बाजार भर को झटका लगा था, उसमें जोमैटो को भी झटका लगा। और उस झटके का असर ये हुआ कि शेयर गिरे, गिरते गिरते 40 रुपए तक पहुंच गए और ये लगा कि अब तो साहब ये बिल्कुल बॉटमलेस पिट बन रहा है, कहीं भी जा सकता है, ये पाताल थोड़ कुआं कहते हैं हिंदी में, कि इसके कोई बॉटम होने वाला है कि नहीं, ये कल्पना लोग करने लगे थे। लेकिन साथ में ये भरोसा था कि साहब जोमैटो एक ऐसा काम है, ऐसा बिजनेस है कि जो काम चल रहा है, बिजनेस हो रहा है। और ये बात पहले भी कही गई थी कि ऐसा नहीं है कि बिजनेस नहीं है, लेकिन जब तक किसी धंधे में पैसा आना शुरू ना हो जाए तब तक उस धंधे से पैसा कमाने की आप सोचने लगे बड़ी मुश्किल होती है। तो ये भविष्य के भरोसे की कमाई थी। लेकिन इस वक्त क्या हुआ है कि आज पिछले कुछ समय में अप्रैल के महीने में पहली बार बहुत लंबे समय के बाद इस साल अप्रैल में जोमैटो अपने आईपीओ प्राइस के ऊपर गया, यानी वापस पहुंचा, अब वो मुनाफे में आना शुरू हुआ। जिसने भी आईपीओ में शेयर लिया था, अगर वो अब तक बैठा हुआ था उसको लेके, या जिसने नीचे गड्ढे में जाके खरीदा था उसके लिए तो अच्छा फायदे का सौदा था, तो वहां से बढ़ के शुरू हुआ। आज क्या हुआ है, आज 5% से ज्यादा का उछाल एनएससी बीएससी दोनों में देखने को मिला है। 99 रुपए के ऊपर जाके ये शेयर बंद हुआ है। और खबर यह आई है कि सॉफ्ट बैंक जो बड़ा इन्वेस्टर है इस तरह की कंपनियों में शुरू में पैसा लगाने का काम करता है, वो इसका कुछ और हिस्सा बेचने की तैयारी कर रहा है। 1.1% 1.17% स्टेक है और ये 940 करोड़ में बेचना चाहता है, यानी कि लगभग 94 रुपए उसका भाव आ रहा है। इसके साथ में एक एचएसबीसी की रिपोर्ट आई है जो अब इस पे बाय रेटिंग दे रही है। उनका कहना है खरीदने लायक स्टॉक दिख रहा है और टारगेट प्राइस बढ़ाकर 102 रुपए उन्होंने रखा है। 5% आज उछला है, अगर ये 5% और उछल जाता है तो वो टारगेट प्राइस पे तो पहुंच जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब जोमैटो में पैसा लगाने का वक्त आ गया है, क्या जोमैटो यहां से पैसा कमा रहा है? तो ये सवालों के जवाब आपको ढूंढने पड़ेंगे उसकी बैलेंस शीट में जाके। लेकिन बड़ा ट्रेड हुआ है आज, मतलब कुल मिला के जो वॉल्यूम है वो जबरदस्त है। 6.5 करोड़ इक्विटी शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है और दूसरी तरफ बीएससी में, ये एनएससी में हुई है 6.5 करोड़, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हुई है लगभग 34.5 लाख इक्विटी शेयर्स की ट्रेडिंग। तो कुल मिला के लगभग 7 करोड़, 7.25 करोड़ शेयर्स की ट्रेडिंग हो गई है। तो हाई वॉल्यूम पे 5% का उछाल बाजार में जो आया है ये मजबूत माना जाता है एक तरह से। उसके बाद ये नीचे जाके 94.65 पे ट्यूसडे को ये बंद हुआ था, लेकिन बुधवार को ये 99.50 पहुंचा है, और थोड़ा बहुत उसने जहां तक पहुंचा था वहां से कुछ गिरा है। लेकिन अब ये अगर देखें कि इसका जो बेस था 44.35 रुपए जनवरी में इसी साल बना था, वहां से ये 125% का रिटर्न दे चुका है, यानी दुगने से ज्यादा हो चुके हैं ये शेयर। और इसीलिए अब एचएसबीसी ने अपना टारगेट प्राइस, इन्होंने पहले 102 रुपए का दिया था, अब उसको बढ़ा के 120 रुपए कर दिया है, बाय रेटिंग मेंटेन की है। और उनको ये लगता है कि इस वक्त क्योंकि यह हाइपर लोकल बड़ा भारी कारोबार हो गया है। आप अपने आसपास अगर किसी इस समय व्यापारी से जाके मिलें तो आपको बताएगा कि साहब हमारी दुकान तो अब हम यूं ही बैठे रहते हैं, टाइम पास करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो इस वक्त जोमैटो, ब्लिंकिट,
स्विगी, इंस्टामार्ट, ये तरह तरह के ऐप्स हैं, इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ से अब कारोबार वहाँ जा रहा है। ब्लिंकिट जोमेटो के पास आ चुका है, HSBC ने उसका भाव जोड़ा है, वो मानता है करीब $5 अरब का कारोबार है ब्लिंकिट का। और इसी तरह मॉर्गन स्टेनले की भी एक रिपोर्ट है, वो ओवरवेट जोमेटो पे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, और उनका कहना है कि ₹115 का टारगेट इस पे उनको दिखाई पड़ता है। तो इसका अर्थ यह है कि अब बाजार में लोग इस पे इसको एक नई नज़र से देखने लगे हैं, जिसको कहते हैं री रेटिंग हो गई बाजार में, इसको कहा जाता है यहाँ कि एक नई नज़र से देखा जा रहा है। और इससे पहले अभी ये सॉफ्टबैंक बेच रहा है, इससे पहले टाइगर ग्लोबल का इंटरनेट फंड है, उसने भी इसमें 1.4% स्टेक बेचा जोमेटो में ओपन मार्केट के रास्ते से। तो एक चीज़ ये है कि जो पी इन्वेस्टर्स हैं वो शायद इससे निकल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर HSBC, मॉर्गन स्टैनली, इस तरह के लोग अब इस पर दांव लगाने की सोच रहे हैं, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जिन लोगों ने किसी एक भाव पे ये शेयर खरीदे थे वो अब इससे निकल रहे हैं, जो नए लोग एंटर कर रहे हैं वो नए भाव पे खरीद रहे हैं, और इसका अर्थ है कि अब वो एक नया टारगेट देख रहे होंगे। और जब इस टारगेट की तरफ आप देख रहे हैं तो इसके लिए आपको कारोबार को देखना होगा, और कारोबार देखेंगे तो वहाँ आ रहा है कि हालांकि उन्होंने प्रॉफिट किया है ₹2 करोड़ का, जो जून क्वार्टर का रिजल्ट आया है उसमें 2 करोड़ का प्रॉफिट है, जबकि पिछले साल इसी जगह पे 186 करोड़ का नुकसान था। तो वहाँ उतना नुकसान ख़त्म करके अब वो प्रॉफिट में आ गया है, और ऑपरेशनल रेवेन्यू इनकी 71% बढ़ गई है ईयर ऑन ईयर पिछले साल के मुकाबले जब आप देखेंगे। तो इसलिए अब दिख रहा है कि कंपनी पैसा बनाने लगी है, और जब कंपनी पैसा बनाने लगती है तब वो लोग उसके साथ आने लगते हैं, वो उसकी तरफ देखने लगते हैं, जिनका खुद का इरादा इस कंपनी के जरिए पैसा बनाने का होता है। तो बिज अड्डा में आज इतना ही, इसी के साथ इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। अब बिस्तक के प्रीमियम मेंबर्स को मिलेगा एक और फायदा, रोज सुबह 10 बजे कमाई वाला ऑप्शन बिस्तक के कम्युनिटी पोस्ट पर, तो हो जाइए तैयार, क्योंकि जो यहाँ है वो कहीं और नहीं मिलेगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए YouTube पर बिस्तक प्रीमियम मेंबरशिप।